नमस्कार दोस्तों, अगर आप ओजोन और ओजोन के संबंधित के बारे में पहले से थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ओजोन वहाँ पाया जाता है जहाँ पर पॉल्यूशन होता है, जहाँ पॉपुलेशन होता है। तो क्यों ओजोन पूरी दुनिया को छोड़कर अंटार्कटिका में बन रहा है जहाँ कोई रहता भी नहीं है। शुरू करते हैं। आपको पता है हमारे जो लेयर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ये ओजोन लेयर जो है वो हमारा ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ओजोन क्या होता है। ओजोन, ओजोन जिसके बिना हमारा जीवन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आपको पता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहता है वो O2 मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। यही जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो O2 सनलाइट से टकराकर दो भाग में टूट जाता है, ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम। वहीं पर O2 मॉलिक्यूल जब O से ऑक्सीजन से मिलता है तो O3 बनता है, जिसे हम ओजोन के नाम से जानते हैं। यही ओजोन हमें सन रेज से हार्मफुल रेडिएशन, जो अल्ट्रावायलेट रेज है, उसे बचाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द ओजोन होल। होल, यह होल कहने का मतलब यह नहीं है कि कहीं छेद हो गया, ठीक है। ये पूरी पृथ्वी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पूरी पृथ्वी का जो लेयर है वो अलग अलग है, थिकनेस अलग अलग है। इसकी वजह से लेयर में जो थिकनेस में कमी आती है और इसकी थिकनेस कहीं कम या कहीं ज़्यादा हो जाती है कि सनलाइट से जो हार्मफुल रेज है आसानी से पार हो जाती है, जो पृथ्वी पर पड़ने लगे तो उसे ओजोन होल कहते हैं। ये क्लोरीन और ब्रोमीन के कारण होता है। ऐसा नहीं कि ये हमारे पॉल्यूशन की वजह से स्टार्ट हुआ, इससे पहले भी ओजोन लेयर टूटने और बनते रहते थे, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन फिक्स अमाउंट में पहले से भी मौजूद था। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे की ओर बढ़ती गई, पॉल्यूशन भी बढ़ता गया और इस पॉल्यूशन से जनरेट हुआ CFC गैस। इसे क्लोरीन की मात्रा अधिक होती है। ये इनर्ट गैस होते हैं और ये ट्रोपोस्फियर में पहुंच जाता है, और जैसे ही क्लोरीन की मात्रा स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ जाती है, अगर हम सब मिलकर एक साल में एक क्लोरीन एटम प्रोड्यूस करते हैं तो ये 2 साल तक डिप्लेट कर सकता है। को हम बताना चाहेंगे कि क्लोरीन का एक एटम 1,00,000 O2 मॉलिक्यूल को तोड़ने की एबिलिटी रखता है। अब हम जानते हैं कि अंटार्कटिका में होल कैसे हुआ। अंटार्कटिका के बारे में हम जानने से पहले हमें विंड मिक्सिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होगा। अर्थ इस शेप की वजह से, जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है तो इक्वेटर पर उससे घूमने की स्पीड नॉर्थ और साउथ पोल से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको 24 आवर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। इसके वजह से विंड स्ट्रेट ना जाकर कर्व पाथ फॉलो कर लेती है। किसी फोर्स को यूजुअली नॉर्थ और साउथ और साउथ पोल की तरह पहुंच जाता है, और इसे ही हम लोग पोलर वर्टेक्स कहते हैं या पोलर वर्टेक्स बन जाता है, जिसको हम पोल पर एयर का छोटा सा घेरा बन जाता है। इसे जानने के लिए आप कोरोलिस इफेक्ट आपने 9 में पढ़ा होगा, या इसको आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि अंटार्कटिका में होल कैसे होता है। अंटार्कटिका का एटमॉस्फेयर
कुछ महीनों के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर से अलग होता है, मतलब कि अक्टूबर से दिसंबर तक अंटार्कटिका पूरा डार्क होता है, वह वहाँ सन रे नहीं पहुँच पाता, इसके वजह से वहाँ 3 महीने तक लाइट नहीं पहुँचता है, और इक्वेटर से दूर होने साउथ पोल में होने के वजह से टेम्परेचर में -80 डिग्री टेम्परेचर का गिरावट आ जाता है, यानी -80 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है। अंटार्कटिका रीजन में इतना ठंडा होने से पोलर स्ट्रेटोस्कोप क्लाउड PCS का फॉर्मेशन होता है। जो बादल होते हैं आइस क्रिस्टल के रूप में कंपोज हो जाते हैं। आइस सरफेस पर डिफरेंट गैस रिएक्शन करते हैं, इसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेज है विंड मिक्सिंग कॉन्सेप्ट की वजह से उसको डिप्लेट कर सकते हैं, वो कंटिन्यूस क्लोरीन और अदर गैस रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जो कि लगातार डिप्लीटेड होता रहता है और दिसंबर लास्ट तक ज़्यादा डिप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब सन की रेज अंटार्कटिका पर पहुंचती है पड़ती है तो ओजोन की रिकवरी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ओजोन बनना फिर से शुरू हो जाता है, बट इतना ज़्यादा लॉस के कारण रिकवरी उतनी नहीं हो पाती है, तो उसके वजह से इसके आसपास के कंट्री जैसे अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में ओजोन होल बनने लगता है। अगर हमको इसको कम करना होगा तो CFC की मात्रा पर रोक लगाना होगा। इसके रोकने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1987 में, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये ग्लोबली एग्रीमेंट था। इसमें CFC को डिक्रीज करने वाले गैसेस पे कंट्रोल किया जाना था। इसी प्रोटोकॉल की वजह से नासा ने यह कहा गया है कि अब डिप्लीशन में 20% की कमी आई है। इसके वजह से सुधार तो हो रहा है, बट आपको बता दें कि CFC का लाइफ 50 से 100 साल तक रहता है हमारे अंटार्कटिका में। बट होपफुली ये माना जा रहा है कि 2060 से लेकर 2080 तक काफ़ी हद तक हुआ है। अगर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक ओजोन होल के बारे में हम आपको कितना समझा सके। थैंक यू वेरी